अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तड़का किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन वाइट हांडी, जो एक डिफरेंट स्टाइल से हम बहुत लजीज और शानदार बनाएंगे। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन वाइट हांडी के लिए हमने 1 kg चिकन लिया है और ये 2 से 3 अदद प्याज है। इनका मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया है और ये 5 से 6 टेबलस्पून क्रीम है। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप मलाई के अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी क्रीम बन जाएगी। ये 2 अदद टमाटर है। यहाँ पे हमारे पास 1 पाव दही लिया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक या हस्बी जरूरत, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और हसबे जायका मिर्चें मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है और गार्निशिंग के लिए सब्ज मिर्चें और हरा धनिया। चलें आइए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। कढ़ाई लिया, उसके अंदर 150 ग्राम ऑयल ऐड किया है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसके अंदर 1 kg जो है वो चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। चिकन को अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर हस्बी जायका जो है वो नमक ऐड किया है। इसके बाद हमने जो अनियन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। हमारा फ्लेम जो है वो अभी हाई है। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसका फ्लेम जो है वो हाई से लो कर देंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। 5 मिनट हो चुके हुए हैं, अब हम इसका कवर हटा देंगे। कवर हटाने के बाद हम इसके जो टमाटर हैं उसके छिलके ऐसे करके उतार लेंगे। अब हमने इसका पानी खुश करना है तो इसको हमने कवर नहीं करना और इसके पानी खुश करने तक इंतज़ार करते हैं। हमारा पानी जो है वो तकरीबन खुश हो चुका है और अब देख सकते हैं कि इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब पानी खुश करने के बाद हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर ऐड किया, 1 टेबलस्पून खुश धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड की है और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने दही लिया जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। वो दही जो है वो मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूंगी। याद रखें, अगर आप कोई भी अपनी वाइट हांडी या फिर किसी और तरह की कढ़ाई आप बनाते हैं, अगर आप उसके अंदर कोई वाइट चीज ऐड करें तो अपना फ्लेम जो है वो हमेशा लो करें। दम वाले फ्लेम पे आप इसको ले आए। अब हम इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब 2 मिनट हो चुके हुए हैं, हमने इसके अंदर दही ऐड किया था लो फ्लेम पे, लेकिन 2 मिनट तक भूनने के बाद मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था ताकि दही का पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो सके। अब हमारे 2 मिनट बाद दही का पानी खुश्क हो गया तो अब हम इसके अंदर हस्बी जायका लाल मिर्ची ऐड की हैं। लाल मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ये क्रीम ऐड करके हमने इसका फ्लेम जो है वो लो कर दिया। लो फ्लेम पे हमने इस क्रीम को तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको भूनना है ताकि इस क्रीम का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो सके। 2 मिनट तक भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर कटी हुई सब्ज मिर्चें जो है वो ऐड कर दूंगी और इसके ऊपर हम कवर दे देंगे तकरीबन 2 मिनट तक। मज़ेदार और लजीज किस्म की वाइट हांडी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे।